उरी के आतंकी हमले से पूरे देश में शोक का माहौल है। देश के कोने कोने में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की आवाज़ उठ रही है। शहीद सैनिकों के परिवार भी सरकार से अपने बेटे की शहादत के नाम पर पाकिस्तान से बदला चाह रहे हैं और वहीं विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने घंटाघर चौक पर इकट्ठे होकर देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान का पुतला फूंका। तो वहीं गुस्साए आप कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा और नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे भी लगाए, जिससे पूरा करनाल हाय हाय के स्वरों से गूंज उठा। सबसे पहले तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी वीर सपूतों को जो अंदर कश्मीर में शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण हरकत की घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम मोदी जी से भी एक बात पूछना चाहते हैं कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था यदि पाकिस्तान इस तरह की ओछी हरकत करेगा तो हम एक के बदले 10 सर लाएंगे। 17 शहीद हो गए हैं कश्मीर के अंदर, क्या मोदी जी 170 सर लेके आएंगे? हमारी पाकिस्तान बीजेपी की पाकिस्तान के लिए क्या नीति है, देश इसे स्पष्ट सुनना चाहता है। हम भर्त्सना करते हैं इस तरह के कामों की, हम निंदा करते हैं इस तरह के पाकिस्तानों के ISI के कामों की। साथ ही आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार से एवं पूरे भारत सरकार से ये मांग करती है कि जो कश्मीर के अंदर शहीद हुए सैनिक हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, साथ ही हर परिवार से एक एक उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, ये हम चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार, जिला अध्यक्ष करना। तो वहीं अपराध और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय संगठन ने भी वाल्मीकि चौक पर पहुंचकर देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और देश के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करनाल में ये जो एक श्रद्धांजलि हुई है फौजियों के लिए, ये जो 17 शहीद हुए हैं हमारे 18 सैनिक, उनको जो मारा गया शहीद हुआ पाकिस्तान की उसने सैनिकों ने, उनको बस हमारा दिल तो ये करता है इंडिया हिंदुस्तान की तरफ से बस उनको कोरिया से भून दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं पूरी टीम हमारी करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया में फैली हुई है, अगर हमारे को भी एक मौका दिया जाए हम एक दिन में पाकिस्तान को ला देंगे। जय हिंद जय भारत। देश के प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? हम देश के प्रधानमंत्री से चाहते हैं भी जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था स्टार्टिंग में, भाई प्रधानमंत्री जी हमारे ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं, बाकी थोड़ी सी अगर वो हिम्मत करे, हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी थोड़ा सा अगर हौसला करे, थोड़ी सी हिम्मत दिखाए ना, तो एक दिन का काम है पाकिस्तान का, एक दिन में उड़ा देंगे हम पाकिस्तान को, खाली हमारी CGO टीम बहुत है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ सरकार द्वारा कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए। तरफ से आज एक भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई जो कश्मीर पूरी में हुए जवान शहीदों को। पूरा भारतवर्ष इस टाइम सत्ते में है, मायूस है, भावभीनी श्रद्धांजलि कई जगहों पर दी जा रही है, ऐसा ही कुछ जो देखने में आपके सामने आ रहा है। आज जो है करप्शन कंट्रोल के कुछ सदस्य यहाँ पर खड़े होकर एक भावभीनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनका एक मैसेज है देश के प्रधानमंत्री को कि अगर उन्हें भी एक मौका दिया जाए तो वो भी एक अपने आप को सिद्ध करके दिखा सकते हैं। देखने वाली बात बहरहाल बात ये होगी कि अगली कार्रवाई हमारी सरकार, हमारा जो प्रशासन है वो किस प्रकार करता है। कैमरामैन मनोज के साथ राकेश शर्मा, करनाल, समाचार एक्सप्रेस।